आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वृंदावन निधिवन के पूरे रहस्य के बारे में बताऊंगा। राधे राधे, मैं हूं परेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वृंदावन निधिवन के पूरे रहस्य के बारे में बताऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक और जानिए कि क्या रहस्य है निधिवन का। निधिवन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। निधिवन की स्थापना वास्तव में गुरु हरिदास ने की थी। वह भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे और उनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान को देखने के बाद ही भगवान स्वयं इस स्थान पर आने के लिए आश्वस्त हुए। निधिवन घने हरे भरे जंगल हैं, जो लगभग 2.5 एकड़ में फैले हुए हैं, पेड़ों से घिरे हुए हैं। मुख्य रूप से तुलसी के पौधे, जहां शाखाएं या तो दूसरे पेड़ों से टकराती हैं या जमीन की ओर बंधी होती हैं। बिना जल स्रोत के भले ही जमीन सूखी हो, सारे पेड़ साल भर हरी पत्तियों से भरे रहते हैं। इसी के साथ गाइड यह भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुंथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। इस मंदिर के पुजारी की माने तो रंगमहल मंदिर का दरवाजा हर सुबह खुद से खुल जाता है और रात में खुद ही बंद भी हो जाता है। मान्यता है कि यहाँ रोज रात को भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनके लिए मंदिर में मक्खन, सिंगार का सामान, दातुन, पान आदि रखा जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर में रोज भगवान का बिस्तर भी लगाया जाता है। और जब सुबह मंदिर का दरवाजा खुलता है तो पुजारी पाते हैं कि सारा बिस्तर फैला हुआ है और श्रृंगार का सारा सामान फैला हुआ है और दातुन की हुई है। एक मान्यता यह भी है कि राधा रानी जी की प्रमुख सखी विशाखा यानी ललिता को प्यास लगी। पीने के पानी की व्यवस्था न देख भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कुंड की खुदाई की। इसमें से निकले पानी को पीकर विशाखा ने प्यास बुझाई। इस कुंड का नाम तभी से विशाखा यानी ललिता कुंड पड़ गया। मौसम के अनुसार इसके पट सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के पास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए इस समय आप निधिवन में घूम सकते हैं और वहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता है। निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में भारी संख्या में बंदर हैं और वह भी रात होते ही निधिवन का स्थान छोड़ देते हैं। निधिवन और रंग महल में रात को किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, यह है निधिवन की पूरी जानकारी और रहस्य। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।